पर। पशु संवर्धन के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पालक मंत्री बावन खुले। इतवारी में शिवरात्रि पर ठंडई का वितरण। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने किया सीतामढ़ी पुलिस के स्टेशन के नवनियुक्त पुलिस निरीक्षक का सत्कार। अब खबरें विस्तार से। पशु संवर्धन के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावन खुले। नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य व्यवसाय दुग्ध विकास व पशुधन विकास का विशेष प्रारूप तैयार किया गया है। वह पशुधन विकास प्रारूप के तहत महिला बचत समूहों को बकरी पालन व दुग्ध व्यवसाय के लिए 2.5 करोड़ की निधि उपलब्ध कराने की जानकारी पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुल ने दी है। इतवारी में शिवरात्रि पर ठंडाई का वितरण किया गया। नागपुर शिव भक्त मंडल की ओर से समस्त भक्तों को ठंडाई का वितरण किया गया है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों को बधाई देते हुए आयोजकों का आभार माना है। इस अवसर पर प्रमुखता से विधायक विकास कुमारे, पार्षद दया शंकर तिवारी, संजय बाल पांडे, निर्ला नायक, भुवनेश्वर पेठे, प्रदेश कांग्रेस के सचिव अतुल कोटेचा, समस्त प्रमुखता का योगदान दिया है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने किया सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन के नव नियुक्त पुलिस निरीक्षक का सत्कार। नागपुर पुलिस निरीक्षक श्री राजपूत का सत्कार राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में किया गया। शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि संगठन हमेशा पुलिस मित्र बनकर सहायक करते रहेगा। इस अवसर पर अमोल पाल पल्लीवार, राकेश बोरकर, अमित पिचकाटे, अनिल बोकाडे, राहुल पांडे, विद्यार्थी अध्यक्ष रवि पराते, कार्याध्यक्ष रुद्र धाकड़े, अक्षय मोहाड़ीकर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।